हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग योर होमवर्क डेली। टुडे इन थर्ड स्टैंडर्ड वी आर गोइंग विथ इंग्लिश सब्जेक्ट। इन इंग्लिश वी आर लर्निंग आवर यूनिट 5। इन दिस यूनिट वी आर लर्निंग आवर पोएम The Balloon Man. In last lecture, we sang poem and also wrote rhyming words and hard words. Today, we are going with the question answer of it. So everyone, please take your textbook with you. So easily you can see all the question in your textbook. Okay? Let's start. Our first question is, where does the balloon man stand? Where does the balloon man stand? Answer is, the balloon man stands at the square of the market. The balloon man stands at the square of the market. Yani balloon man kahan khada hota tha? तो जो मार्केट में स्क्वायर साइड का बनता था वहाँ पे बलून मैन खड़ा होता था। What happens to the balloons when there is a wind? What happens to the balloons when there is a wind? Answer is, the balloons fly here and there when there is a wind. The balloons fly here and there When there is a wind, यानी जब wind हवा चलती थी तब क्या होता था, बलून यहाँ वहाँ उड़ने लगते थे। Third one is, what does the child like to see the balloon man do? What does the child like to see the balloon man do? Answer is, The child wants the balloon man to let loose the balloons in the air. He wants to see them flying high in the sky. Let's read again. The child wants the balloon man to let loose the balloons in the air. यानी बच्चा क्या चाहता था कि जो balloon man है वो क्या करे, जो बलून है उसको हवा में छोड़ दे। ही वॉन्ट टू सी धैम फ्लाइंग हाई इन द स्काई, वो बलून को आकाश में ऊपर तक उड़ता हुआ देखना चाहता था। सो ही वॉन्ट टू सी धैम फ्लाइंग हाई इन द स्काई। नंबर 4 इज, हाउ हाई कैन बलून्स कैन फ्लाई? बलून्स can fly very high depending upon their size. यानी बलून है वो कितने ऊँचे तक जा सकते हैं, तो वो बहुत ऊँचे तक जा सकते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड होते हैं, बलून की साइज पर। So answer is, balloons can fly very high depending upon their size. Then, what do you like about this poem? Answer is, this poem tells us about the various types of balloons. ये पोयम में हमें क्या सीखने को मिला है, क्या बताता है, क्या अच्छा लगता है? तो पोयम हमें बहुत, यानी अलग अलग टाइप के जो बलून होते हैं ना, स्मॉल बिग डिफरेंट कलर्स लाइक पर्पल ग्रीन ब्लैक वाइट येल्लो रेड एक्सेट्रा। So this poem tells us about the various types of balloons. Let's read again quickly. Where does the balloon man stand? Answer is, the balloon man stands at the square of the market. Then what happens to the balloons when there is a wind? Answer is, the balloons fly here and there when there is a wind. What does the child like to see the balloon man do? Answer is, the child wants the balloon man to let loose the balloons in the air.
ही वॉन्ट टू सी धैम फ्लाइंग हाई इन द स्काई. हाउ हाई कैन बलून्स कैन फ्लाई? आंसर इज बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज. 5-1 इज वॉट डू यू लाइक अबाउट दिस पॉम? आंसर इज दिस पॉम टेल्स अस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ बलून्स. देन नंबर 6 इज आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल्ड एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको क्या करना है, आपको ये जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उसको अरेंज करना है और वो एक स्पेलिंग यानी एक वर्ड बनेगा. तो वो आपको यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है बुक में आपको उसमें लिखना है. देखो फर्स्ट अल्फाबेट में क्या है, एल डबल एल ए बी डबल ओ एन एस. तो ये वर्ड क्या बनेगा, बलून्स, बी ए डबल एल डबल ओ एन एस. सेम इट इज यू एल बी ई, सो ब्लू, बी एल यू ई ब्लू. देन डब्ल्यू ओ एल बी ई, सो इट्स वर्ड इज बिलो, बी ई एल ओ डब्ल्यू. देन सी यू एन एल एच, सो इट्स वर्ड इज लंच, एल यू एन सी एच. देन पी एल ओ डबल ई पी, सो इसका वर्ड क्या बनेगा, पीपल, पी ई ओ पी एल ई. देन सी आर ए टी, कार्ट, सी ए आर टी. एकदम इजी है, आपको आएगा. देन पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. यानी आपको ये जो ग्रुप दिए हैं, नेचर, फूड एंड कलर्स, उसके बाद बॉक्स में से आपको क्या करना है, वर्ड इसके अंदर लिखना है. सो नेचर, तो नेचर में क्या होता है, स्काई, वाइन, ग्रास. यानी जो किसने बनाया है, नेचर ने, नेचुरली है, जो किसी ह्यूमन ने नहीं बनाया है. सो स्काई, एस के वाई स्काई, वाइन, डब्ल्यू आई एन डी वाइन, एंड ग्रास, जी आर ए डबल एस. उसके बाद फूड, तो टर्निप, पाइनएप्पल, राइस. कलर्स, पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो. ओके, देन नंबर 8 इज हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज, राइट देयर नेम्स बिलो. आपको इस तरह से जो बॉक्स दिया हुआ है आपको कलर फाइंड करना है. जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा है, सबसे पहले कौन सा कलर है, वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट. आफ्टर इट रेड, आर ई डी रेड. ग्रीन, जी आर डबल ई एन ग्रीन. येलो, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो. ब्लू, बी एल यू ई ब्लू. ब्राउन, बी आर ओ डब्ल्यू एन ब्राउन. वायलेट, वी आई ओ एल ई टी ब्लैक. बी एल ए सी के ब्लैक. ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज. एंड पर्पल, पी यू आर पी एल ई पर्पल. एंड लास्ट वन इज पिंक, पी आई एन के पिंक. देन नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर अपोजिट्स, यू कैन फाइंड हेम इन द पॉम द बलून मैन. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज नेवर, एन ई वी ई आर नेवर. इट्स अपोजिट वर्ड इज ऑलवेज, ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज. देन स्मॉल, यू नो इट्स अपोजिट वर्ड इज बिग, बी आई जी बिग. देन रैनी, आर ए आई एन वाई रैनी. सो इट्स अपोजिट वर्ड इज सनी, एस यू डबल एन वाई
then low, L-O-W, low. So opposite is high, H-I-G-H, high. Sit, S-I-T, sit. Opposite word is stand, S-T-A-N-D, stand. Then near, N-E-A-R, near. Its opposite word is far, F-A-R. Let's read again. Never, always. Small, big. Rainy, sunny. Low, high. Sit, stand. Near, far. Then say aloud. आपको क्या करना है, loudly ये जो आपके words दिए हुए हैं आपको बोलना है. String, stream, strong, stand, sting, steel, haul, tail, sell, haul, might, tail, sell and might. Okay? So I hope आपको question answer समझ में आ गए होंगे. सबसे पहले ये तो इजी था. देन आपको नेचर, फूड और कलर्स बॉक्स में से फाइंड करके लिखना था, वो भी आप कर लोगे. ये जो बॉक्स दिया है इसमें कलर्स नेम फाइंड करना है. देन अपोजिट वर्ड्स एंड स्पेलिंग रीडिंग. ओके, सो इन होमवर्क यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड यू हैव टू लर्न इट. ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज थम्स अप. And if you have any question or query, so write in comment box. Okay, students? In next lecture, we will go with our story of Unit 5. So, stay home, stay safe, do your homework daily and be happy. Bye. Have a nice day.